बताने लायक तो मैं करना है। जो भी पाप लग रहा है वो पाप हम भोग लेंगे, पर माँ बाप की आंसुओं को, माँ बाप की भाव को हम दिखेंगे। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की शादियों की चर्चाएं तमाम हो चुकी हैं और बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल गए जिसमें बहुत सारे वीडियो फेंक निकले, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं कि वो शादी करेंगे और बहुत जल्दी ही करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कई बार कहा है। फाइनली वो समय आ चुका है जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज शेरवानी पहनने वाले हैं, सेहरा पहनने वाले हैं, यानी कि जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये बात स्वयं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने एक मीडिया डिबेट में कहा है कि वो शादी की बंधन में जल्दी ही बनने वाले हैं, हो सकता है कि जुलाई 2024 तक ही गुरुदेव महाराज की शादी के शहनाई बच जाए। इस बात की पुष्टिकरण कब होगी? तो इस बात की पुष्टिकरण होगी 23 अप्रैल 2024 को। दरअसल 23 अप्रैल 2024 को महावीर जयंती है और उस समय में गुरुदेव महाराज पत्रकार डिबेट भी करेंगे और उस डिबेट में यह बात क्लियर करेंगे कि वो किस दिन शादी के बंधन में बनने वाले हैं। दरअसल गुरुदेव महाराज की शादी की बात अचानक से सामने इसलिए आ रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके गुरुदेव जी महाराज यानी जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जो तुलसी पीठाधीश्वर हैं, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है और उनके ही कहने पे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अब शादी के बंधन में शीघ्र अति शीघ्र बन सकते हैं क्योंकि गुरुदेव जी महाराज की तबीयत नहीं सही है और वो चाहते हैं कि उनकी शादियों की जो जिम्मेवारी उनके ऊपर है वह पूर्ण कर सकें। इसीलिए राम भद्राचार्य जी महाराज के आदेश से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को शादी करना पड़ सकता है। तो देखने वाली बात होगी 23 अप्रैल 2024 को गुरुदेव महाराज इस बारे में क्या बात करते हैं। तो अगर शादियों की चर्चाएं क्लियर होती हैं तो उसके बारे में आप सभी को सूचित करूंगा और संभवतः अगर उनकी शादी की चर्चा होती है तो वो लगभग जुलाई 2024 तक उनकी शादी की शहनाई बच सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।